हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग जा रहे हैं डालीगंज, जो यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे मेरी जिठानी की बेटी का बर्थडे है। यहाँ पे मेरी बेटी और बेटा दोनों तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं सेजल के कंघा कर रही हूँ, वो हंस रही है, सही से करा नहीं रही है। बोले मम्मा बाल खुला रखना है, तो मैं बोल रही नहीं बेटा, बाल खुला नहीं रखना है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि वहाँ पर गर्मी की वजह से परेशान हो जाओगी बेटा। बोले ठीक है मम्मा, फिर आप चोटी कर दीजिए। तो वही मैंने बोला रबड़ बैंड लगा देती हूँ, सही रहेगा। फंक्शन में वैसे भी बच्चों को शौक होता है कि थोड़ा सा खुद ज़्यादा ही अच्छे लगें, तो वही मैं रबड़ बैंड लगा रही, तो हंस रही है, ठीक है मम्मा। और अब इसके बाद पीछे से हनी बोल रहा है कि मम्मा दीदी को पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं बोल रही हूँ नहीं बेटा ठीक है, ऐसे अच्छी लग रही है। अब मैं अपने बालों का कंघा कर रही हूँ, मैं भी सोच रही हूँ कि क्लचर लगा लेती हूँ तो सही रहेगा। तो वही मैं तैयार हो गई हूँ, बेटी भी रेडी हो गई है। रेडी हो गए हैं, बच्चे भी तैयार हो गए हैं। लोग रेडी हो गए हैं, हम लोग रेडी हो गए हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं, आप मिल सकते हैं इनसे। बेटी और बेटा भी तैयार हो गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं डालीगंज। ये मेरी बड़ी जिठानी जो है, उनकी बेटी शुभी है, उसका आज बर्थडे है। वो मुझसे अपने बाल बनवा रही है, मुझसे कह रही चाची अच्छे से बाल बना दीजिए। अब हम लोग बर्थडे रूम में आ गए हैं। ये मेरी बड़ी जिठानी है जो कैंडल जला रही है, पास में शुभी बैठी हुई है केक कट करने के लिए। सभी लोग पूछ रहे हैं कि बेटा कितना टाइम लगेगा अभी, वो बोल रही है कि हाँ अभी बस थोड़ा सा टाइम बचा है। आप देख रहे होंगे येलो टी शर्ट में, ये बड़ी दी का बेटा है, जो बड़ा बेटा है उनका, शुभी छोटी है। सब लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, दीदी खड़ी हो गई हैं और बोल रही हैं कि शुभी बेटा अब केक कट करने का टाइम आ गया है, चलो करते हैं। शुभी बैलून के साथ खेल रही है, मस्ती कर रही है, और हनी भी पीछे से देख रहा है, बोल रहा है मम्मा कितना टाइम लगेगा। तब तक दीदी आ गई हैं प्लेट लेके। मेरे यहाँ सबसे पहले टीका करते हैं, और इसके लिए मम्मी को बुलाने के लिए दूसरे रूम में गई हैं दीदी, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है, बीमार हैं इस समय, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मम्मी लेती हैं तो बोल रही हैं मम्मा चलिए, और मम्मी बस आने ही वाली हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं। अशु भी बोल रही है फोटो क्लिक करने के लिए। शुभी टीका करा रही है, मम्मी कर रही हैं, और वाशु फोटो खींच रहा है। और टीका करने के बाद फिर मम्मी माला पहनाएंगी शुभी को, मेरे यहाँ माला भी पहनाते हैं टीके के बाद। शुरू से ही सभी बच्चों का बर्थडे होता है तो मम्मी माला पहनाती हैं, टीका करती हैं, तो वही शुभी सही से दे रही है मम्मी को। मम्मी माला पहना रही हैं और शुभी को बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ मज़ा आ रहा है खूब। काफ़ी भीड़ भी है तो इस वजह से ज़्यादा सब लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मम्मी को गिफ्ट के लिए बोले हैं पापा, लेकिन मम्मी ने ध्यान नहीं दिया। शुभी बोल रही है पहले दादी केक तो कट हो जाने दीजिए, फिर दीजिएगा। तो वही मम्मी बोली अच्छा ठीक है, तो दीदी की तरह इशारा कर रही है कि मम्मी आइए आप भी, तो मम्मी बैठ गई हैं। इसलिए ब्लू सूट में मेरी बड़ी जिठानी पास में बैठी हुई, रेड सूट में मेरी छोटी जिठानी है, और मैं बीच में बैठी हूँ। हम लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं साथ में बैठ के। शुभी दीदी से बोल रही मम्मा फ़ोटो खिंचवाइए, दीदी सुन नहीं रही हैं, तो मस्ती चल रही है फ़ोटो खिंचाने के लिए। ये मेरी छोटी जिठानी है, शुभी के टीका कर रही हैं, दीदी चुन्नी दे रही हैं टीका थोड़ा सही करने के लिए, टीका सब फैल गया है, और दीदी अब खिला रही है शुभी। अब मैं आई हूँ टीका करने के लिए, शुभी मुझसे बोल रही है कि चाची आप मेरे गाल पर टीका ना लगा दीजिएगा, फ़ोटो ख़राब हो जाएगी। मैं बोल रही हूँ नहीं बेटा, नहीं मैं नहीं लगाऊंगी। फिर मैंने बाद में हल्का सा लगा दिया है, अभी आप देखिएगा। तो वो बोलती है कि नहीं चाची आपने मेरे क्यों लगा दिया, तो मैंने बोला कि अरे तुमने ही तो बोला कि चाची आप मेरे नहीं लगाएंगी, मुझे पता है, तो इसलिए मुझे लगाना पड़ा। अब फ़ोटो में बोल रही है चाची खिंचाने के लिए, सब लोग खींच रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, और सब लोग पीछे हंस रहे हैं।
कि चाची के साथ फ़ोटो खिंचा रही है क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा मस्ती करती है वो हमेशा। देखिए मेरे हस्बैंड मोबाइल पकड़े हुए हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, तो मैं आई हूँ उसे लेने के लिए कि लाइए अब मैं करती हूँ क्लिक, आप जाइए टीका के लिए। अब मेरे हस्बैंड गए हैं टीका करने के लिए, तो शुभ भी बहुत खुश है क्योंकि चाचा की लाडली है तो उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इसी टाइम पे सब लोग इकट्ठे हो पाते हैं, बहाना मिलता है बर्थडे में सबको एक साथ मिलने का, मस्ती करने का, वरना तो सभी लोग बिजी ही हैं अपनी अपनी लाइफ में। मगर हमारे यहाँ जब किसी का भी बर्थडे हो तो स्पेशली टाइम निकाल के सभी लोग अपना कीमती समय निकाल के सब लोग साथ में इकट्ठे होते हैं। ये शुभी की मामी हैं जो टीका करने आई हैं और शुभी बोल रही है कि प्लीज़ मामी आप तो आराम से करिएगा, सब लोग कुछ ना कुछ मेरे फेस पे लगा के चले जा रहे हैं। तो वही मामी कह रही है नहीं बेटा मैं ऐसा कुछ करूँगी नहीं, गिफ्ट दे रही हैं। तो शुभी बहुत खुश है कि मामी ने मेरे नहीं लगाया है फेस पे, तो मुझे साफ़ करना पड़ता है और मामी को खिला रही है। तो वही मामी कह रही है थैंक यू बेटा। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं निकल रही है। तो शुभी बोल रही है कि सेजल चलो साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो सेजल कह रही ठीक है। ये सौम्या है दीदी की बेटी, छोटी जिठानी जो है मेरी, अभी आई है शुभी के पास। वाशु और शुभी दोनों फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये मेरे ससुर जी हैं जो शुभी को रुपये दे रहे हैं टीका करने के बाद। तो वही शुभी को रख रही है और पापा जा रहे हैं अब। तो ये देखिए इससे तो आप जानते ही होंगे हनी सबसे आगे रहता है, उसको बहुत शौक़ रहता है कि जो सभी लोग जो काम करेंगे मुझे भी करना है। आप देख रहे होंगे तो सभी लोग काफ़ी खुश है कि देखिए छोटा है फिर भी इसे इतना शौक़ है हर काम करने का, आगे ही आगे रहेगा कि अगर दीदी ने किया है तो मुझे भी करना है। वही शुभी नीचे बैठ गई है, बोल रही है कि चलो आ जाओ भाई तुम्हारे साथ भी हम फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं, नहीं तो बाद में बोलेगा कि नहीं दीदी शुभी दीदी आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं, वैसे सबके साथ आपने फ़ोटो खिंचवाया मेरे साथ आप नहीं खिंचवाएंगी क्या। तो एक केक खिला रहा है शुभी दीदी को, तो शुभी बहुत खुश है इसलिए और गिफ्ट दे रहा है, बोला कि नहीं मैं ही दूंगा दीदी आप ना दो। तो सेजल से बोलता है, दोनों फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, दोनों ने फ़ोटो खिंचवा ली है जो बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने खूब मस्ती की, खूब मज़ा आया। तो ये था आज का मेरा बर्थडे ब्लॉग जो शुभी के साथ था।